आपका स्वागत है। आतंकी हमलों के इनपुट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को देखते हुए 8 सितंबर को इंडिया गेट सर्कल पूरी तरह से बंद रहेगा। इंडिया गेट के सभी 10 मार्ग व राजपथ के आसपास के मार्गों को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। 8 सितंबर को बसों को नई दिल्ली इलाके में आने नहीं दिया जाएगा। ऐसे में दिल्ली वासियों को 8 सितंबर को बड़े पैमाने पर जाम का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ क्या है पूरी खबर जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। ऐसा पहली बार हो रहा है कि राष्ट्रीय पर्व के अलावा इंडिया गेट पूरी तरह से आम लोगों के लिए बंद रहेगा। राजपथ के आसपास भी कार्यालय बंद रहेंगे। इसके चलते दिल्ली वासियों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का 8 सितंबर को उद्घाटन करेंगे। इस समय आतंकी हमले के इनपुट भी हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए इंडिया गेट को 8 सितंबर को शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक बंद रहेगा। इंडिया गेट के सभी 10 मार्ग व राजपथ के आसपास सभी मार्गों को आम वाहनों के लिए बंद रखा जाएगा। इसके अलावा बसों को भी नई दिल्ली में नहीं आने दिया जाएगा। 8 सितंबर को बसों को नई दिल्ली से बाहर ही रखा जाएगा। लोगों की परेशानियों को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जल्द ही इस बाबत एडवाइजरी जारी करने जा रही है। ट्रैफिक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए नई दिल्ली के ट्रैफिक को संभालना एक बड़ी चुनौती रहेगी। ऐसे में कनॉट प्लेस समेत अन्य मार्गों पर बड़े पैमाने पर जाम लगने की संभावना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए राजपथ के आसपास स्थित सभी कार्यालय 8 सितंबर को दोपहर 2 बजे तक बंद हो जाएंगे। इस वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नई दिल्ली के ट्रैफिक को संभालने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने केंद्र सरकार से सरकारी कार्यालय को दोपहर 2 बजे के बाद बंद करने का निवेदन किया था। ट्रैफिक पुलिस के आग्रह को केंद्र सरकार ने मान लिया है। दिल्ली पुलिस अधिकारियों के अनुसार 8 सितंबर को नई दिल्ली छावनी में तब्दील रहेगी। नई दिल्ली के बॉर्डर को दोपहर बाद सील कर दिया जाएगा। सुरक्षा इस तरह की होगी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। कई घंटे के लिए नई दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया जाएगा। सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति भवन में एंटी ड्रोन मिसाइल तैनात की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली समाचार।